हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जब से मैंने वीडियो अपलोड करनी शुरू करी है ना सीएनजी कार को लेके, तो कई लोगों का ना ये कमेंट आया था कि सर क्या मतलब हम अपनी जो हमारे पास एग्जिस्टिंग हमारे पास जो कार है जो चली हुई है या कोई सेकेंड हैंड कार लेके हम उसके अंदर सीएनजी किट हम इंस्टॉल करवा सकते हैं क्या? तो देखो, सीएनजी मैं उसी पे बात करना आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि आप जो अगर आपके पास जो कार है अगर आप उसके अंदर भी यह सीएनजी किट लगवाएं तो उसकी क्या प्रोसेस है, क्या आपको जो कुछ टिप्स हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग कार के अंदर ही आप अपनी सीएनजी फिट करवाना चाहते हैं तो। राइट, तो सबसे पहले तो आपने ये देखो कि जो आपका आरटीओ अप्रूव्ड कोई इंस्टॉलर है, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई आरटीओ अप्रूव्ड कोई शॉप है, वो अगर आपको किट इंस्टॉल करता है ना, तो सबसे पहले तो आप उस बंदे को पकड़ो, वहाँ पे आप सबसे पहले जाओ और थोड़ा सा सर्वे करो, रिसर्च करो कि ठीक है आप क्या उसमें अपने किट लगवा सकते हैं। और फिर आप ये जानने की कोशिश करो, जैसे आप गए तो ऐसा नहीं कि आप आज गए और आज के आज ही आपने फाइनल करी अपनी सीएनजी किट और आज के आज ही लगवा ली, तो भाई ऐसा मत करो, थोड़ा सा ना रिसर्च करो, थोड़ा सा टाइम लो, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है, आपको मतलब एक लॉन्ग टाइम आपको ये इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टाइम आपको कार चलानी है अपनी सीएनजी की, ठीक है। तो सबसे पहले ना आप ये देखो कि जो आपकी जिस जहाँ पे आप गए हो ना गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो है वहाँ पे उस जो और जो ये अप्रूव्ड जो स्टेशन है वहाँ पे उसने कितनी सीएनजी किट इंस्टॉल करी है, आप थोड़ा सा ना ये कोशिश करो निकलवाने की कि वहाँ पे कितनी सीएनजी किट इंस्टॉल करी है, ठीक है, और वो किस मेक की जो सीएनजी किट है वो लगा रहे हैं, थोड़ा सा उस जो सीएनजी किट है जिस मेक की वो लगा रहे हैं थोड़ा सा उसकी स्टडी करो। और अगर आपको मान लो ये पता लग जाता है ना कि कौन ओनर है, जिन जिन ऑनरों ने वहाँ पे से सीएनजी किट इंस्टॉल करवाई है, अगर एक आध कभी आपके पास उनका आपका नंबर मिल जाता है ना उनका, तो भाई उनसे आप बात करो, उनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करो कि क्या एक्सपीरियंस रहा है उनका, क्या क्या उनको फ़ायदा हुआ है, क्या उनका नुकसान हुआ है, मेनली जो भी उनका एक ऑनरशिप एक्सपीरियंस है ना वो आप उनसे निकलवाने की कोशिश करो। अगर आप ये एक ऑनरशिप एक्सपीरियंस लेंगे ना तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये सीएनजी किट मेरी कार के लिए बनी हुई है, ठीक है, और थोड़ा सा ये उनसे क्रॉस वेरीफाई करवाएं कि जो मेरी अभी जो एग्जिस्टिंग कार है ना ये सीएनजी में कन्वर्ट होने के लिए कंपेटिबल भी है या नहीं है। और देखो, कोई भी बंदा ये मना नहीं करेगा उसकी दुकान पे जाके कि आप उसकी दुकान से या उसकी शॉप से सामान ना लो, ठीक है, थोड़ा सा रिसर्च करो, चीज़ों को देखो कि ये कि हाँ ये सब कुछ चीज़ें कंपेटिबल है या नहीं है, ठीक है। अब फिर दूसरा क्या आता है कि जब आपको पता लग गया कि अब सीएनजी मेरी इंस्टॉल होने वाली है, ठीक है, सब कुछ ओके, ऑनरशिप एक्सपीरियंस भी ले लिया जहाँ पे जिन लोगों से आपने बात करी है कि सब कुछ ओके, ठीक है, उसके बाद ये देखो कि आपका जो सीएनजी है वो किस मेक का लग रहा है, ठीक है, उसकी वारंटी क्या है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या आता है कि आरसी ट्रांसफर होने का, ठीक है, अब वो जो कार थी वो तो थी आपकी पेट्रोल की, ठीक है, वो पेट्रोल की कार थी, अब उसको अब आपकी जो कार है वो तो सीएनजी पे कन्वर्ट हो गई है, अब आरसी ट्रांसफर का भी तो एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है ना भाई, वो आरसी ट्रांसफर कब होगी, जब वो जो आपकी आरसी होगी वो उसके आरटीओ के पास जाएगी, वहां से वो अप्रूव्ड होगी, तो ये भी एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये चीज को हैसल फ्री बनाने के लिए वो तभी मैं कह रहा हूं उन लोगों को पकड़ो जो गवर्नमेंट आरटीओ अप्रूव्ड हो, तो वो सब चीजें बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से हो जाएंगी, आपको इतनी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। फिर आपको तीसरा क्या कराना पड़ेगा, आपको जो इंश्योरेंस होगा, अब भाई जो इंश्योरेंस है वो तो आपका पेट्रोल की गाड़ी का है ना, वो पेट्रोल की गाड़ी का है, अब ये कन्वर्ट होगी गाड़ी आपकी सीएनजी के अंदर में, ठीक है, अब थोड़ा सा क्या होगा, आपको आपका थोड़ा सा प्रीमियम भी तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा ना यार उसमें, अगर आपकी कार जो है सीएनजी में कन्वर्ट हो गई है, तो ये है कि आपका थोड़ा सा प्रीमियम आपका बढ़ेगा, इंश्योरेंस वाले को आपको थोड़ा बताना पड़ेगा। और चौथा क्या है, मान लो आपकी अगर गाड़ी नहीं है, मान लो साल भर या डेढ़ साल चली हुई है और आप बाहर से सीएनजी किट लगवाते हैं, तो देखो सबसे पहली बात तो है आपकी जो नई गाड़ी होगी ना, जो कंपनी आपको 3 या 5 साल की जो भी वारंटी देती है, वो डिपेंड करता है कौन मैन्युफैक्चरर है, वो आपकी बिल्कुल वॉइड हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, कंपनी का उसमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कंपनी ने आपको जो वारंटी दी थी वो वारंटी तो दी थी पेट्रोल गाड़ी की, ठीक है, अब लेकिन आपने कन्वर्ट करा ली उसको सीएनजी पे, तो कंपनी का जो वारंटी है वो तो रोल खत्म हो गया ना भाई। तो एक ये थोड़ा सा आप देख संभल के चलो, अगर आपको पता है कि मेरे को लॉन्ग लास्टिंग सीएनजी पे ही गाड़ी चलानी है, तो उसके अंदर थोड़ा सा आप एक रिस्क लो बाहर पे जाके, ठीक है, क्योंकि देखो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर सीएनजी आप लगवा रहे हो तो वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ भी करनी पड़ती है चीज़ों को, जैसे बूट स्पेस वगैरह इतना नहीं होता, वो तो बिल्कुल ही खत्म ही हो जाता है बूट स्पेस जो होता है, ठीक है, आपका थोड़ा सा परफॉर्मेंस होता है वो थोड़ा सा आपका डाउन हो जाता है, बाहर से जो लोकल मिस्त्री वाला है या कहीं, मतलब ये तो बिल्कुल कोशिश मत करना
कि जो आपका जो लोकल ये जो इंस्टॉलर होते हैं ना, इनसे तो लगवाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। क्योंकि देखो, अगर मान लो आपने ये सब चीज़ें भी करवा ली ना, आपने CNG किट करवा ली, हार्डवेयर इंस्टॉल करवा लिया, गाड़ी की कंपेटिबिलिटी चेक करवा ली कि ठीक है सब कुछ ओके है, लेकिन भाई इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। क्या आती है? कार के साथ आपकी CNG किट की ट्यूनिंग करना। ठीक है, ट्यूनिंग जो होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ये जो ट्यूनिंग करना होता है ये हर एक के बस का बात नहीं होती है। ठीक है, पता है सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के थ्रू सबको पता है कि ये पैरामीटर है ये डालना है, वो काम इजी है। बट भाई एक स्किल्ड जो काम होता है ना वो स्किल्ड बंदे ही कर सकता है। ये तो थोड़े से ये पॉइंट्स हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे अगर आप अपनी कार को CNG का, अपने पेट्रोल कार को CNG में कन्वर्ट करवा रहे हैं। ठीक है, तो बस ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में मुझे शेयर करना था फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना चैनल को और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।